और यूपी की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व सांसद सिंह उपाध्याय अपने बेटे और देवर के साथ भाजपा में शामिल हो गई हैं। यूपी के कद्दावर नेता और सादाबाद से विधायक पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय की पत्नी है सिंह उपाध्याय। सिंह उपाध्याय आगरा के फतेहपुर सीकरी से सांसद भी रह चुकी हैं। सिंह उपाध्याय अपने बेटे चिरागवीर उपाध्याय और ब्लॉक प्रमुख देवर रामेश्वर उपाध्याय के साथ भाजपा में शामिल हो गई हैं। हाथरस से जिला पंचायत अध्यक्ष की दावेदारी करेंगी सिंह उपाध्याय। खबर एक्सपर्ट पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सांसद सिंह उपाध्याय अपने बेटे और देवर के साथ भाजपा में शामिल हो गई हैं। यूपी के कद्दावर नेता और सादाबाद से विधायक रामवीर उपाध्याय की पत्नी हैं सिंह उपाध्याय। सिंह उपाध्याय आगरा के फतेहपुर सीकरी से सांसद भी रह चुकी हैं। सिंह उपाध्याय अपने बेटे चिरागवीर उपाध्याय और ब्लॉक प्रमुख देवर रामेश्वर उपाध्याय के साथ भाजपा में शामिल हुई हैं। हाथरस से जिला पंचायत अध्यक्ष की अब वो दावेदारी करेंगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस से यूपी की राजनीति में इस वक्त की हलचल मचा देने वाली खबर सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश के बसपा सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय की पत्नी पूर्व सांसद सिंह उपाध्याय ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। इसके साथ ही उनके बेटे चिरागवीर उपाध्याय और ब्लॉक प्रमुख देवर रामेश्वर उपाध्याय भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। इससे पहले उनके एक देवर मुकुल उपाध्याय पहले ही भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। और आपको बता दें कि रामवीर उपाध्याय यूपी की राजनीति में एक बड़ा मात्रा रखते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नेता के रूप में एक बड़ा चेहरा जाने जाते हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि सिंह उपाध्याय फिलहाल हाथरस से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीती हैं और अब वो हाथरस से जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए दावेदारी करेंगी, यह तय माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम खबर एक्सपर्ट पर बता रहे हैं।